जिस तरह से सरकार का विरोध किया था और उन्हें सरकार ने ना किया उसके साथ ही आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने राजभवन में जाकर के एक महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। इसके संबंध में जल्द ही कार्रवाई होगी। लखनऊ से राहुल महावेश जनता को लेकर के उत्तर प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर के और खास तौर से जो कोरोना महामारी में भी योगी सरकार ने भ्रष्टाचार का अवसर खोजा है। जिले जिले से खबरें आ रही हैं कि कोरोना महामारी में भी मुख्यमंत्री जी, उनकी 11 टीम और उनके जो डीएम और सीएमओ ने मिलकर के लूट की है उत्तर प्रदेश में। तो हम लोगों ने महामहिम से अनुरोध किया है कि जितने गुनाह उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उन गुनाहगारों को अगर कोई संरक्षण दे रहा है तो योगी सरकार दे रही है। हम लोगों ने महामहिम से अनुरोध किया है कि वो बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो उत्तर प्रदेश में वो गुनाहों के देवता बन करके बैठे हैं, कम से कम गुनाहगारों को पनाह न दें, उनको आशीर्वाद न दें। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के छात्र नौजवान हो या उत्तर प्रदेश का बेरोजगार छात्र नौजवान हो, अगर रोजगार मांगने सरकार से आता है तो सरकार जिस तरीके से लाठी मार रही है, मुझे लगता है योगी जी संत ना हो, योगी जी जनरल डायर की भूमिका में उत्तर प्रदेश में है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों ने अपना पक्ष रखा है। आज एक और घटना हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो रोजगार को लेकर के एक लोगों ने समीक्षा बैठक की है और ये कहा है कि 6 महीने के अंदर करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि कल समाजवादी पार्टी जो छात्र सभा थी उसकी तरफ से बेरोजगारी दिवस भी मनाया गया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 6-3.5 सालों में बहुत मेहनत से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, कितनी नौकरी दे पाए, कितनी नौकरियां फंसी हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती इसलिए फंसी है कि उन्हीं के पार्टी के नेताओं का नाम आ गया था। शिक्षा मित्रों को उन्होंने धोखा दे दिया। अधीनस्थ सेवा चयन में कौन सी भर्ती आप कर गए, केवल जब कल पूरे प्रदेश में नौजवान सड़कों पर आया, सोशल मीडिया से लेकर ट्विटर से लेकर सब जगह सरकार की नाकामियां खोलने लगा तो सरकार डर गई है। योगी जी का ये बयान उनका डर साबित करता है। वो जान गए हैं कि जिन नौजवानों को वो संविदा पर रखने की बात कर रहे थे वो खुद योगी जी की संविदा 22 में खत्म कर देंगे। तो क्या आपको लगता है कि डर के ही 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी? अब उत्तर प्रदेश देखिए, वो नौकरी नहीं देने जा रहे हैं, वो नौकरी नहीं देने जा रहे हैं। जो बात उन्होंने नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को संविदा में रखने की बात कही है, तो अब वो जान गए हैं कि वही प्रदेश का बेरोजगार नौजवान उनकी संविदा छीन लेगा और 22 में उनको वापस भेजेगा शायद मत। कल के प्रदर्शन की वजह से बैकफुट पे है सरकार? देखिए, बैकफुट पे वो अपने कर्मों से हैं। जब उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी का अपहरण हो जाएगा, किसी का बलात्कार हो जाएगा, इस बात को हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं जब से योगी सरकार बनी है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमा हत्या करा रहा है, फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी कहती थी वही बात सच हो गई। जब जिले का एसपी रंगदारी के लिए व्यापारी की हत्या करवा रहा हो, डीएम शामिल हो, तो पूरी सरकार, मैं फिर कहूंगा, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आप गुनाहों के देवता बने बैठे हैं लखनऊ में, कम से कम आप गुनहगारों को आशीर्वाद देना बंद कर दीजिए। आपने तो कहा था कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ गया। तो हत्याएं कौन कर रहा है, लूट कौन कर रहा है, छिनैती कौन कर रहा है, डकैती कौन डाल रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कौन कर रहा है, ये आपके शिष्य हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? आपकी सरकार आने पर नौजवान,